जिशान आप थे लास्ट क्लास में, प्लीज मैसेज करो मुझे अगर आप लास्ट क्लास में थे। और आयशा प्लीज आप भी बताओ, आयशा मुझे लगता है आप लास्ट क्लास में थे, आप प्लीज एक बार मुझे मैसेज करके बताओ आप लास्ट क्लास में थे नहीं थे। कौन सी क्लास है, को क्लास नहीं था, ये बायोलॉजी की क्लास है ना। अच्छा वेंसडे को क्लास पे नहीं थे, लास्ट क्लास पे मैंने एम्ब्रियो सैक पढ़ाया हुआ था ना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ था, तो आपने क्लास ज्वाइन किया हुआ था मेरी क्लास लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अच्छा आयशा नहीं थी, ठीक है, तो आयशा यू आर न्यू वन। ठीक, तो देखो जो लोग नए हैं है ना, जैसे दक्षा लास्ट क्लास में थी, निहाल यू आर न्यू वन, रेयान तो ऑलरेडी है ही है ना। तो देखो जो लोग नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग अभी तक बायोलॉजी में जो पढ़ चुके हैं, तो वो मैंने माइक्रो रिप्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। हालांकि रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसमें कुछ था भी नहीं और वैसे भी उससे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उसको हटा दिया गया है, हमारे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन थे उनसे उसको रिमूव कर। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ये सब चीजें पढ़ लिया था। एम्ब्रियो सैक कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका था, है ना। और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पार्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, तो देखो प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। किसी को नए वाले बच्चों को स्पेशली, क्योंकि आपने बैकग्राउंडर पढ़ा है नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता है, या आप ऑलरेडी कुछ तो पढ़ के ही आए होंगे दैट आई नो, तो उसके अलावा नए वाले बच्चों को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे एक बारी आप बताइएगा, किसी भी बेसिक चीज में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। आयशा आपके लिए भी, निहाल आपके लिए भी, ठीक है ना। जिशान आई थिंक यू वॉज देयर इन लास्ट क्लास। तो देखो फर्टिलाइजेशन में, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ओके जिशान थे लास्ट क्लास में, ठीक है जिशान, राइट। तो देखो फर्टिलाइजेशन से पहले आप एक बात बताओ, फर्टिलाइजेशन से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द पॉलिनेशन, है ना। तो हम पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होती है, कैसे पॉलिनेशन होती है और कितने तरह का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है, और हाँ नीट में भी क्वेश्चन एक टाइप का ओविल में था। अच्छा टाइप ऑफ ओविल में थे, ठीक है जिशान, राइट। तो हाँ वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फिर उसके बाद मैंने बताया था एम्ब्रियो सैक मैंने पढ़ाया हुआ था, है ना। तो ठीक है जिशान थे, और आयशा के लिए नई क्लास है ना, तो जिन्हें अदीबा, अदीबा हाउ यू थे ना, मतलब 11th वाली क्लास में थे, आर यू सेम अदीबा, मैसेज तो करो। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में। वेंसडे को क्लास हुई थी सर? हाँ कब? वेंसडे को क्लास हुई थी? नहीं उस दिन क्लास नहीं हुई थी, मैं आई वाज लाइक ट्रैवलिंग, मैं नोएडा गया हुआ था एक्चुअली। उससे पहले संडे को? नहीं संडे को तो हुई थी ना, लास्ट संडे में तो अपन ने क्लास किया था ना, है ना। नो सर कहाँ हुआ था क्लास? संडे को तो हुआ था यार, आप रहे नहीं होगे, कई सारे बच्चे नहीं आए थे, संडे को तो क्लास हुई थी। संडे को तो क्लास हुई थी, सिर्फ वेंसडे क्लास नहीं हुई एक्चुअली, ट्यूसडे मैं नोएडा निकल गया था तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो वेंसडे पर क्लास नहीं हो पाई, बाकी तो क्लास हुई है, बाकी सभी क्लासेस हुई हैं। हाँ इस टाइमिंग तो यहाँ टाइमिंग यही रहेगी हमेशा, ठीक है ना, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आपको, टाइमिंग यही रहेगी। कोई और सी क्लास हुई थी, मैथ्स की क्लास हुई थी संडे को, हो सकता है यार पैरेलली दोनों एक साथ क्लास चल रही हो, है ना, अलग अलग आईडी पे, दैट माइट बी। एक बारी आप चेक कर लिया करो, निष्कर्ष जी है ना, तो निष्कर्ष जी से आप एक बारी चेक कर लिया करो, है ना।
नंबर तो है नहीं तो उनका। अच्छा नंबर नहीं उनका, तो चलो कौन बोला है? अच्छा जीशान, जीशान मैं एक बारी निष्कर्ष जी को एक बारी मैं बोल दूंगा, ठीक है ना? ठीक, अरे सर नहीं रहा ये मेरे से भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं है भाई, बहुत सी क्लास छूट गई, तो फर्स्ट लेक्चर का मेरे से भी चेक कर सकते हो आप, मुझसे भी चेक कर लिया करो, आप मेरा नंबर लो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना? मेरा नंबर आप नोट कर लो, ठीक, आप मेरा नंबर नोट कर लो, 8376 8376760 4 2 4 2 6 9 5। जिसको भी क्लास में कंफ्यूजन हो ना, तो क्लास में आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना? मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना? और इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो 12th वाली क्लास है वो संडे और वेंसडे मैंने हम लोगों ने रखी हुई है, और 7 to 8:30 दैट विल बी द टाइमिंग, ठीक है ना? टाइमिंग और डेज अभी फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं, द सेम, मतलब एक्सेप्शनल डेज पे अगर कभी होगा तो एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, है ना? आप वैसे पूछ सकते हो एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी। और दूसरा क्या है कि अगर कभी कुछ मतलब ऐसा हुआ कि इन केस मतलब आई वाज नॉट वेल या इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मतलब वंस इन अ व्हाइल, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? तो वरना ये टाइमिंग फिक्स है, क्लास इसी टाइम पे होगी, ठीक है? तो देखो, अब देखो फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, तो मेल और फीमेल, देखो सिलेबस की तो टेंशन मत लो, सिलेबस तो मैं आपका पूरा करवा दूंगा। सिलेबस में मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन, क्योंकि 12th का बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, तो रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा है पहला वाला चैप्टर, और दूसरा मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, टाइप ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ये सब मैंने पढ़ा दिया है ना, इसके पहले का जितना रहता है, हाँ तो वो तो कम्प्लीटली मैंने पढ़ा दिया है ना। और देखो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से पहला वाला चैप्टर तो रिमूव कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने, लेकिन वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन, हाँ नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें नील कुरंजी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन, है ना? तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले पॉलिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे होता है ना, जिसको कहीं पे भी डाउट हो प्लीज आप लोग पूछिएगा। पॉलिनेशन, अब देखो पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इन जनरल पॉलिनेशन दो तरह का होता है, है ना? जनरली ये पहले पॉलिनेशन, हाँ सर, फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन आता है, पॉलिनेशन नहीं, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो फर्टिलाइजेशन पहले से हम लोग फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट पे पढ़ रहे हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस को हम रेदर देन बोलेंगे, एग्जैक्टली विल कॉल इट pre-fertilization changes. Pre-fertilization changes. देखो fertilization का सिंपल मतलब होता है syngamy, मतलब दोनों ही gamete का मिलना, ठीक है? अब देखो pre-fertilization changes में क्या होता है, pollination. Pollination के पहले जब pollen grain female gamete के पास तक पहुंचता है, तो पॉलन ग्रेन कितने सेल का होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बताओ भाई कितने सेल का होता है, कितने सेल स्टेज में पहुंचता है, बोलो बोलो जल्दी बताओ, बताओ भाई। पॉलन ग्रेन जब फीमेल की स्टिग्मा में जाकर के गिरता है तो कितने सेल स्टेज में जाकर के पहुंचता है, कितने सेल की स्टेज? तो मैंने आपको यह बताया हुआ था कि पॉलन ग्रेन जब फीमेल की स्टिग्मा में पहुंचता है तो इन जनरल वो जाता है 2 cell stage में, तो 60% या 65% जो pollen grains होते हैं वो 2 cell stage में जाते हैं, बाकी के जितने pollen grains होते हैं वो 3 cell stage में जाकर के वहां पे पहुंचते हैं, है ना? तो 3 cell stage या 2 cell stage में रिलीज होता है, राइट? तो पॉलिनेशन में सबसे पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, और दूसरा, तो हम पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बताएं भाई सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसको किसको बोलूं, बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं भाई। देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल प्लांट है ना, तो ये आपका मेल प्लांट, ये आपका हो गया फीमेल प्लांट, जिसको आप पिस्टिल कहते हैं, मतलब जिसमें ओव्यूल होता है,
तो जब आपका पॉलन और ओव्यूल, इन दोनों की बात की जाए, पॉलन एंड प्लस ओव्यूल, दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर हो, आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, अगर दोनों जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना। अब सेल्फ पॉलिनेशन, इसको भी फर्दर हम दो पार्ट, मेल पार्ट, दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर है, दोनों के जीन्स बिल्कुल सेम है, तभी हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। अगर दोनों वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, तो हम उसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन टर्म ये नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, उसको फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन टर्म ही यूज करेंगे, है ना, अगर जेनेटिकली डिसिमिलर है। तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के बीच में जो पॉलन का ट्रांसफर होता है, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसको हम दो पार्ट में फर्दर फिर से डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, ऑटोगैमी, और दूसरा ये हो गया गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड में, आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गेटोनोगैमी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते आइएगा, प्लीज माइक्रोफोन अपना ऑफ कर दीजिए, ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ रखिए प्लीज, जब आप क्वेश्चन पूछेगा तब ऑन कीजिएगा। देखिए, अब ऑटोगैमी में क्या होता है, ये सेम फ्लावर में होता है। अब सेम फ्लावर का क्या हुआ, सेम फ्लावर की अभी मैं बात करूं तो अगर एक ही फ्लावर का, उसी सेम फ्लावर का है ना, तो ये एक फ्लावर हो गया जिस फ्लावर की पिस्टिल है ना, ये पिस्टिल है, इसी फ्लावर में साथ में स्टेमेन लगा हुआ है, तो इसी के स्टेमेन का पॉलन ग्रेन इसी के गिर गया, जेनेटिकली सिमिलर हुआ, इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। गेटोनोगैमी क्या होता है, अब गेटोनोगैमी में समझते हैं, गेटोनोगैमी में क्या होता है, गेटोनोगैमी में इन जनरल फॉर एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि भुट्टे का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉब का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, मेज का। तो इसमें होता क्या है कि आपके जो मेल फ्लावर होते हैं, राइट, और फीमेल वाले जो फ्लावर होते हैं, तो फीमेल फ्लावर में जो कॉब निकला होता है, उस कॉब में आप देखेंगे कि बहुत सारी इस तरह की स्टिग्मा निकली हुई होती हैं। ये जो बाहर आपको भुट्टे में आप देखते हैं ना, जो बाल जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली स्टाइल और स्टिग्मा है ना। तो अभी क्या हुआ, प्लांट एक ही है, लेकिन ये आपका मेल वाला फ्लावर हो गया और ये नीचे जो आपका लगा है फीमेल वाला फ्लावर हो गया। फ्लावर अलग अलग है, यहां पर क्या है, फ्लावर सेम है, यहां पर क्या है, प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग है। तो यहां पर यहां से पॉलन ग्रेन निकल करके, है ना, तो अगर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, उसको हम गेटोनोगैमी कहते हैं। ये सब मैं बातें लिखवा दूंगा, आप पहले मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा, और इस चार्ट को आप, स्केमेटिक डायग्राम को आप नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे गया आपको मैं लिखवाऊंगा और आपको और डिटेल में अभी बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। दूसरा आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, हम क्रॉस पॉलिनेशन टर्म को अभी यूज करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जेनेटिकली डिसिमिलर, है ना, जेनेटिकली डिसिमिलर। तो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के बीच में जो पॉलिनेशन होता है, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। अब यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, ये दो तरह से हो सकता है या दो कैटेगरी में हो सकता है। तो जेनेटिकली डिसिमिलर का मतलब होता है पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट। तो दो अलग अलग प्लांट के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि हमारे पास एक ये प्लांट था, एक इस प्लांट का क्या हो सकता है कि इसमें दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं, डायोसियस या मोनोसियस, ये बातें भी हम करते हैं अभी। तो सपोज दैट यहाँ पर इसमें एंड्रोसियम है इसके, ठीक है, मतलब ये मेल वाले पार्ट है, तो यहां से स्टेमेन से एंड्रोसियम से यहां से पॉलन उड़ करके पहुंचता है और ये दूसरे वाले प्लांट में पहुंच जाता है, इस दूसरे वाले प्लांट के पिस्टिल को या फीमेल वाले पार्ट को इसको पॉलिनेट कर देता है। तो जब अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। तो यहां पर दिस इज प्लांट वन,
एंड दिस इज प्लांट टू। तो जब अलग अलग दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? इनके वेक्टर के बेसिस पे। अब भाई वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या चीज होती है, कोई बताएगा मुझे? मैसेज करके बताओ भाई वेक्टर क्या होते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज द वेक्टर? वेरी गुड, पोलन ग्रेन को ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर वो होते हैं, ऐसा कोई भी एजेंट ना, ऐसा कोई भी एजेंट जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एजेंट विच ट्रांसफर पोलन, ट्रांसफर पोलन। अच्छा ये एजेंट लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अब कैसे लिविंग नॉन लिविंग कैसे होते हैं? सिंपल सी बात है, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट फूलों का जूस पीने के चक्कर में आते हैं, है ना। दे वॉन्ट टू ड्रिंक नेक्टर, और उस नेक्टर पीने के चक्कर में बाय डिफॉल्ट उनकी बॉडी में, है ना, बहुत सारे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंच करके उन्होंने फिर वहां पे पोलन ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो वेक्टर कैसा हो गया, ये लिविंग वेक्टर हो गया, है ना। तो वेक्टर लिविंग हो सकते हैं, लेकिन जनरली जितने सारी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, तो सभी क्रॉप में जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो उनमें तो नेक्टर ग्लैंड नहीं पाई जाती और उनमें इंसेक्ट जाते भी नहीं नेक्टर को पीने के लिए। तो उनमें ढेर सारे पोलन ग्रेन बनते हैं और वो विंड के मीडियम के थ्रू, है ना, या एयर से क्या होते हैं, पॉलिनेट होते हैं। तो अब एयर फैक्टर हो गया, वो नॉन लिविंग हो गया, है ना। तो इस तरह से जो वेक्टर हो सकते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो वेक्टर के बेसिस पे, या यूं कहूं एजेंट के बेसिस पे, इन्हें वेक्टर बोलते हैं और इन्हीं को हम एजेंट बोलते हैं। तो वेक्टर या एजेंट के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक एजेंट, तो जब एबायोटिक एजेंट की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे विंड के थ्रू होता है, फर्स्ट इज विद हेल्प ऑफ विंड। तो जब एयर के थ्रू होता है, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू विंड। तो एबायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है, तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एबायोटिक एजेंट के थ्रू और दूसरा बायोटिक एजेंट के थ्रू। दूसरा वाला हमारा होगा बायोटिक एजेंट के थ्रू। तो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट के थ्रू, तो पहला विंड के थ्रू होता है और दूसरा वाला जो हमारा होता है वाटर के थ्रू हो गया। वाटर वाला जो पॉलिनेशन है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा वेलेस्टेरिया का, पढ़ा है क्या किसी ने वेलेस्टेरिया का एग्जाम्पल? पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो या तो गैटोगैमी पूछा गया है, और या पूछा गया है वेलेस्टेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है या हाइड्रोफिली कैसे होती है। तो देखो वेलेस्टेरिया इसका एग्जाम्पल है। ये हम सभी तरह के एग्जाम्पल अभी मैं आज के आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 3 मार्कर क्वेश्चन में बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पॉलिनेशन तो आपको ढंग से क्लियर होना चाहिए, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी पूछ लिया, तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और एक एक लाइन भी लिखाओगे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्या करना है, आपको ये डिस्क्राइब करना है, इस चार्ट को आपको बनाना है, स्केमेटिक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, ठीक है ना। अब देखो बायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है, तो सबसे पहले कौन कौन से बायोटिक फैक्टर होते हैं? अभी जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे ज्यादा जो बायोटिक फैक्टर में आते हैं वो है आपके इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट के थ्रू। दूसरा क्या होता है, अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर बर्ड्स के थ्रू होता है, है ना, तो बर्ड्स के थ्रू जब पोलन ट्रांसफर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। अच्छा स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? स्टडी ऑफ बर्ड सर ऑर्निथोलॉजी। बहुत बढ़िया, बेटा ऑर्निथ, क्योंकि ऑर्निथो वर्ड का मतलब ही होता है बर्ड्स, है ना, लैटिन वर्ड। अब देखो दूसरा क्या है, बैट्स के थ्रू होता है, तो बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है क्या, होता है क्या, इसे बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली।
अच्छा बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है क्या, कोई बताए मुझे, पहले बताओ आप मुझे प्रूव कर। अच्छा जैसे किसमें होता है बताओ, बताओ किसमें होता है सर? वो कहीं से सीड लेके जा रही है, वो गिर गया कहीं तो हो गया। अच्छा तो वो तो सीड डिस्पर्सल हुआ, पॉलिनेशन नहीं हुआ भाई। आयशा हाँ तो वो कोई बड़े प्लांट पे जाके बैठ जाए तो उसके पैर में लग जाएगा, फिर जब उड़ के जाएगी तो वो गिर जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा भी सही वैसे सही बता रहे हो। चलो मैं आप बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा थोड़े दिन पहले आपने एक वायरस के बारे में पढ़ा होगा, एक वायरस बहुत फैला हुआ था, निपा वायरस, जिसको निपाहा भी लोग बोलते थे हिंदी में, सुना था क्या? निपा वायरस, निपा वायरस, निपा वायरस, निपाहा, सुना था लास्ट ईयर? यस सर। आप लोग 11th में थे है ना, तो आपने सुना होगा केरल में बहुत कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वो वायरस का जो कैरियर था वो बैट था, चमगादड़ी था है ना, तो बैट के थ्रू ही हो रहा था। बैट उसको क्या कर रहा था, बैट उसको तो ये बैट क्या करते हैं, फ्रूट्स खाने के लिए जाते हैं इवनिंग टाइम पे, जैसे अमरूद के पेड़ों में या बहुत सारे पेड़ों में। इसीलिए आप जनरली देखोगे गार्डन में कोई भी बंदा आप जाओगे तो इवनिंग में आपको फ्रूट तोड़ के नहीं देगा, क्योंकि बैट क्या करते हैं, अगर इवनिंग में उसने फ्रूट तोड़ा तो वो क्या करते हैं, स्मेल कर लेते हैं और उससे वो पहुंच जाते हैं और फिर वो फ्रूट्स को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा खेल उनका इंफ्रारेड के थ्रू, वो सॉरी अल्ट्रासोनिक के थ्रू होता है। तो क्या होता है कि वो फ्रूट्स खाने के लिए जाते हैं, जब फ्रूट्स खाने जाते हैं तो उनके विंग्स वगैरह में वो चिपक जाते हैं पॉलन, और इस तरह से वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। तो हाँ बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं, बहुत सारे जो बड़े ट्रीज होते हैं उनमें पॉलिनेशन करते हैं, छोटे प्लांट में पॉलिनेशन नहीं करते। तो यहां तक मामला सबको समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आ गया क्या? कोई डाउट हो पूछिए, ठीक है, और नहीं डाउट तो फिर नोट कीजिए। और सबने नोट कर लिया? वरी वरी सॉरी मुझे नहीं। ठीक है ठीक है। सर बैट का क्या लिखा है वो? बैट का चिरोप्टेरोफिली, सी एच आई, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, सी एच आई आर ओ पी टी ई आर ओ पी एच आई एल वाई, डन? यस सर। जस्ट मिनट प्लीज होल्ड ऑन, एक मिनट मुझे मुझे एक सेकंड का टाइम देना। देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू एंटर लेटरली है ना, मैं थोड़ा सा निष्कर्ष जी को बोल दूंगा है ना, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, बस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं निष्कर्ष जी को कॉल करता हूँ। ये कोई जैद अली है, एंटर कर रहा है क्या इसमें, लिटरली इसमें मैसेज कर रहा है, खुद को ये डिलीट हो जाएगा। हाँ जैद अली अब देखो डिलीट हो जाएगा मैसेज। अच्छा ठीक ठीक है, तो ये दिख तो नहीं रहा इसमें, हाँ कहीं दिख नहीं रहा लिस्ट में, ठीक है ठीक है। तो वैसे आप लोग ऑनलाइन, आप लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे होगे ना क्लास, इसके पहले किए कभी क्लास ऑनलाइन? किए है ऑनलाइन क्लासेस? क्यों आप लोगों ने किए ऑनलाइन क्लासेस पहले इसके? ठीक है नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ठीक है तो नोट कीजिए सबसे पहले, हाँ ठीक है नोट कीजिए, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या सर? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम हेडिंग क्या है सर? ये पॉलिनेशन भाई, ऊपर
प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस उसमें आएगा पॉलिनेशन. अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, सो पॉलिनेशन इज नॉट पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखो मेरी बात को एक बात बहुत ध्यान से रखना, किसी भी, चलो अच्छा इसको पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखो फिर मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना. ट्रांसफर ऑफ, हाँ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम हेलो, हाँ आवाज आ रही है, हाँ क्या हुआ आवाज आ रही है, आवाज यस सर आ रही है. अच्छा यस सर आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं. ट्रांसफर ऑफ ग्रेन फ्रॉम ओपेंड एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ओपेंड एंथर ऑफ स्टेमेन टू दी रिसेप्टिव, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम ओपेंड एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. अभी क्या है कि पॉलिनेशन क्या चीज होती है, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जो हमारे होते हैं ठीक है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए. तो मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, मैं बोर्ड अब रिमूव कर देता हूं, मेरे हिसाब से सबने लिख लिया होगा. देखिए अभी क्या है कि दो चीजें, एक तो क्या होता है जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अगर मैं प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, प्लांट रिप्रोडक्शन, तो देखो प्लांट रिप्रोडक्शन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जो लोग स्टार्टिंग से क्लास में रहे होंगे ना उन्हें पता होगा. तो प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे पहले चीजें क्या होती हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, या कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना. मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के पहले जितनी तरह की इवेंट हुई हैं हम सभी इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं ठीक है. तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आती है दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. तो भाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का क्या मतलब होता है, गैमेट तो मेल में भी बनते हैं और गैमेट फीमेल में भी बनते हैं. तो जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो किसी भी मेल में पॉलन ग्रेन के बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हुआ कि माइक्रोस्पोर का बनना, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर बोले तो पॉलन ग्रेन का बनना. तो पॉलन ग्रेन के बनने को प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, है ना, या प्री फर्टिलाइजेशन फेनोमेना, है ना. दूसरा क्या होता है, फीमेल में क्या बनता है, भाई फीमेल में मेगास्पोर बनते हैं ठीक है, तो दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस. तो देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का, है ना, ओव्यूल के क्या होता है, दैट इज द एम्ब्रियो सैक, है ना. तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक के बनने की जो प्रोसेस को हमने पढ़ा वो भाई साहब थी क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट वाज आल्सो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस. तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस. दूसरा, अब दूसरी बात पे आते हैं,
यहाँ पर जो सेकंड है ना, इसको ऐसे करके फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कर लेते हैं, दैट इज ए कैपिटल ए कर लेते हैं, तो दैट इज प्रीफर्टिलाइजेशन चेंज। अब यहाँ पे सेकंड में अगर बात करूं तो दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भाई क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो पॉलिनेशन क्या है? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, है ना, गैमेट का ट्रांसफर होना, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रीफर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन होने के पहले की बात है, है ना, ठीक। अब देखो पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है इसके बाद में, अब मैं बी की बात करूं, ठीक है ना, तो अब ए प्रोसेस तो हो गई प्रीफर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं एक सेकंड प्रोसेस की बात करता हूं, दैट इज द बी प्रोसेस। तो बी में आएगा फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है भाई साहब सिनगैमी। बताओ सिनगैमी क्या है? सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी क्या है बताओ भाई? बोलो बोलो सिनगैमी बताओ भाई जल्दी से। आयशा बताओ। सर फ्यूजन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आयशा आप लास्ट क्लास आप 11th में थे क्या फिजियोलॉजी में? हाँ मुझे याद आ गया, अभी अभी मुझे याद आया, जस्ट तुम्हारी आवाज सुन के मुझे याद आया कि यू वाज देयर। हाँ तो देखो अब सिनगैमी क्या है, वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही बताया आयशा ने कि सिनगैमी क्या है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ, जब तक मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज नहीं हो जाते, दोनों की वॉल्स फ्यूज नहीं हो जाती है ना, तब तक अपन उसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज द पॉलिनेशन। इसीलिए मैंने आपको अभी लिखाया कि पॉलिनेशन जो मैंने आपको बताया दैट वाज द प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, राइट। अब इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सी तीसरी वाली, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो पहली जो चीज आएगी द फर्स्ट थिंग दैट विल बी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या यूं कहूं मैं जायगोट का फॉर्मेशन ना, तो जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट बनेगा उसके बाद क्या? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो देखो एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो मैच्योर होता है ना, मैच्योर होने के बाद एम्ब्रियो अब क्या बनता है? फॉर्मेशन। इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एम्ब्रियोजेनेसिस से ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो एंडोस्पर्म। आपके बोर्ड में ही पूछा जाता है हेलोवियल टाइप एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है नीट में, क्वेश्चन क्या पूछा गया नीट में, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कोकोनट वाटर, ठीक है, किस टाइप का एंडोस्पर्म है, आपको निकला पड़ता है दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। तो ये एग्जांपल के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे दोनों में क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसीलिए प्लांट रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल रिप्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे रादर देन एनिमल रिप्रोडक्शन में हमारे जो सिलेबस में सीबीएसई वाले में दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सीड फॉर्मेशन दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी सीक्वेंस मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया कि दैट वाज द सीक्वेंस। तो हम जो फर्टिलाइजेशन वाला, जो पॉलिनेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं दैट इज द एक्चुअली प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, क्लियर, डन। नोट कर लिया सबने ये सीक्वेंस? नोट कर लिया? नो सर, नो सर। हाँ सीक्वेंस नोट कर लो आप, स्टार्ट किया। हाँ ठीक है कोई नहीं, नोट कर लो आप। ठीक है डन, ओके ग्रेट। इनको भी नोट कर लीजिए, जीशान को, फिर आगे चलते हैं। अच्छा देखो ये मतलब आप दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ द थिंग कि जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, आप कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म में करिए और या कितने भी छोटे प्लेटफॉर्म में करिए, इवन आपको बता दूं मैं एन अकेडमी में के साथ में एसोसिएटेड था, यूपीएससी में और कई सारे साइट्स के, कितने भी बड़े बड़े जाइंट हैं उसमें क्या होता है लेटरल एंट्री होती है। मतलब कुछ लोग जो कोडिंग को जानते हैं वो लोग लेटरल एंट्री करते हैं, ठीक है,
लेटरल एंट्री करके एंटर कर जाते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं या वगैरह, ऐसा कभी कभी हो, सो डोंट थिंक इट एबनॉर्मल, इट हैपेंस इन एवरीवेयर। चाहे आप फिटजी में जाइए, आप फिटजी के बच्चों पूछोगे, वहां पे बहुत ज्यादा होता है लेटरल एंट्री। तो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं वो ऐसा करते रहते हैं, सो जस्ट इफ यू गेट एनी दिस काइंड ऑफ अब्यूजिव और बैड काइंड ऑफ द मैसेज, सो जस्ट इग्नोर इट, है ना, बी फोकस्ड, राइट। यही सिर्फ तरीका होता है, हम उनको हटा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ज़िनोगैमी, ठीक है, कौन बताएगा भाई ज़िनोगैमी क्या होती है, कोई बता सकता है? बोलो बोलो बोलो, ज़िनोगैमी कोई बता सकता है? क्या क्या लास्ट में सीड फॉर्मेशन लिखा हुआ है? ठीक है, नोट कर लिया। पॉलिनेशन में सिनगैमी, SYNGAMY, सिनगैमी। ठीक है, चलो तो मैं जीनोगैमी क्या होता है, क्लिस्टोगैमी क्या होता है, एलोगैमी क्या होता है, मैं सब टाइप बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, सभी टाइप में बताने वाला हूँ। रियान मैं बताने वाला है, अच्छा आयान, इट्स माय फर्स्ट क्लास, सो दैट वी कहोगे, देखो आयान ये आपकी पहली क्लास है ना, तो अच्छा हाँ मोहम्मद है आयान, ठीक है आयान, क्या है ना कि हम लोग अभी बैच, मतलब जैसे अपना बैच चल रहा है, देखो मैं सबको बता देता हूँ, जैसे हम लोग अभी बैच चला रहे हैं ना, बैच चल रहा है ना, तो आप लोगों को तो खैर बहुत कम छूटा हुआ है, 11 हेलो आवाज आ रही है? हेलो हाँ आवाज आ रही है? यस सर सॉरी गाइस अभी आ रही है सर। हाँ ठीक है, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था।
नेट पे फ्लक्चुएशन की वजह से। हाँ तो मैं क्या बोला था कि अगर, अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को कहीं पे भी है ना किसी भी पॉइंट पे अगर दिक्कत होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि अलग से स्पेशली सपोज दैट किसी का कोई एग्जाम है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अलग से भी मैं टाइमिंग आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है, मैंने आपको नंबर अपना बता ही दिया है, आप मेरे से अलग से टाइमिंग ले सकते हैं, निष्कर्ष जी से डिस्कस करके टाइमिंग लेकर के 1-to-1 भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, तो इसकी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिलेबस की या बाकी चीजों की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब मैं आपको बता रहा था पॉलिनेशन, तो एग्जैक्टली पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मैंने बता दिया, इसी में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ज़ीनोगैमी क्या होती है, क्लिस्टोगैमी क्या होती है, लेकिन पॉलिनेशन से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। वीडियो नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, नो सर। अच्छा वीडियो तो ऑफ है, स्क्रीन में ऑन कर रहा था, वीडियो तो है ना, वीडियो तो मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन में स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, हेलो हेलो, एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग लॉक हो गई इसमें, ठीक है ऑन हो गया, राइट, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि पॉलिनेशन में कैसे कैसे कॉम्पेटिबिलिटी होती है ना, आप इस बात को अब समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है, ठीक, वीडियो मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इससे स्पीड गिर जाती है, ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि पॉलिनेशन में जब पॉलिनेशन होता है तो सपोज दैट आपका ये हो गया कोई भी एंथर हो गया, एंथर में मैंने बताया था एंथर के फटने की प्रोसेस को या रप्चर होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा जल्दी बताओ, व्हाट वी कॉल दैट, एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, बोलो बोलो जल्दी, दिस इज एंथर, ये तो मैं प्रॉपर पढ़ा चुका हूं, जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं, ये हमारा एंथर वाला पार्ट हो गया, एंथर में मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ कौन बताएगा, बोलो भाई ऐसा, अच्छा डिहाइसेंस, हाँ नहीं डिहाइसेंस, डिहाइसेंस जो होता है तो डिहाइसेंस में कौन सी सेल्स काम करती है, फंक्शन करती हैं, अच्छा मैसेज भी कर रहा है कोई, ठीक है आयन मैं अभी नंबर दे दूंगा अपना, ठीक है मैं अपना नंबर बता दूंगा अभी, ठीक है देखो, हाँ नहीं 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 एपिडर्मल सेल बाइकन नहीं करती, कौन अटेम्प्ट कर रहा है बताओ, कौन बता रहा है, अच्छा कौन बता रहा था, जीशान बता रहा है, रेयान बताओ जल्दी से, ऐसा रेयान तुम बताओ, तुम्हें बता चुका हूँ मैं, आयशा बताओ, जब एंथर रप्चर होता है तो एंथर के रप्चर होने में डिहाइसेंस में कौन सी लेयर फंक्शन करती है, जल्दी बताओ, हाँ सबको बता चुका हूँ, एंडोथीलियल लेयर, याद आया, एंडोथीलियल जो लेयर होती है इसमें क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, तो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से है ना, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है, इस हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होने की वजह से सेल श्रिंक करती है, मतलब सिकुड़ जाती है, और सेल के श्रिंक हो जाने की वजह से बीच में एक दरार सी बन जाती है, ऐसे स्लिट बन जाती है, स्लिट मतलब बोले तो ये दरार बन जाती है, मतलब ये हिस्सा इसका रप्चर हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे हिस्सा रप्चर हो गया, तो रप्चर हो जाता है ना, तो रप्चर हो जाने के बाद अब इससे छोटे छोटे पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल आते हैं, याद आया, अब यही पॉलन ग्रेन किसी भी एजेंट के थ्रू ट्रांसफर हो गए, इसको अपन बोलते हैं पॉलिनेशन, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, है ना, जिसको जो भी नहीं आएगा पूछते रहेंगे, ये वाला पार्ट जिससे ये नीचे का फिलामेंट, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट, ये वाला पार्ट, ये फिलामेंट जहां कर जुड़ता है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है,
कनेक्टिव है ना, और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। तो क्या होता है, इसकी पर्टिकुलर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। एंडोथेलियल जो सेल होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं। एंडोथेलियल सेल के रप्चर हो जाने की वजह से इस तरह से ये दरार बन जाती है, इसको हम स्लिट कहते हैं, इसको हम स्लिट कहते हैं। अब ये स्लिट के फट जाने की वजह से पॉलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं, पॉलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं ना, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं, ठीक। ए जिशान ये माइक्रोफोन बेटा ऑफ करो जरा थोड़ा सा, है ना, आवाज आ रही है एयर की। तो अब देखो क्या होता है, इस तरह से पॉलन ग्रेन, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब सपोज दैट मैं कहता हूं कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन मस्टर्ड का है, मस्टर्ड का है। मस्टर्ड किस फैमिली के मेंबर है, क्रूसीफेरी का मेंबर है ये, चलो कोई भी किसी भी फैमिली का मेंबर है, मस्टर्ड का है। मस्टर्ड का पॉलन ग्रेन मस्टर्ड की ही स्टिग्मा में जाकर के क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई मस्टर्ड के पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहे हैं और वो किसी और की स्टिग्मा में नहीं गिरेंगे, जरूर गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, ठीक है ना। तो गिर तो भाई सब किसी चीज की भी स्टिग्मा में सकते हैं, तो ये किसी दूसरे, जब भी किसी दूसरे स्टिग्मा में जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, है ना। तो क्या होता है, यही चीज क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी, है ना। तो कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा में जाके जर्मिनेट करना। अब कोई मुझे ये बताया कि आखिर पॉलन ग्रेन को कैसे पता लगेगा कि ये मेरी ही स्टिग्मा है या किसी और की स्टिग्मा है, हाउ इट विल रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, कैसे रिकॉग्नाइज करेगी ये मेरी स्टिग्मा, कोई बता सकता है क्या? सर उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, एंजाइम डिटेक्ट करते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा, बिल्कुल सही बताया, मतलब आपने बात तो सही बताई। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, है ना, डिटेल में इन द सेंस कि ये कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए होता यूं है कि ये हमारी हो गई स्टिग्मा, ठीक। तो ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हो गया, फीमेल वाले पार्ट में ये वाला पार्ट आपका हो गया स्टिग्मा, ठीक है स्टिग्मा। ये वाला पार्ट हो गया हमारा स्टाइल, ठीक है स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। और नीचे वाले पार्ट को आप बोलते हो ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये क्या हिस्सा है, इसको आप बोलते हो ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर ही पाया जाता है क्या, एम्ब्रियो सैक। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछते जाइएगा, जहां पे कंफ्यूजन हो, एम्ब्रियो सैक, है ना। अब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में गिरा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉलन कॉम्पेटिबिलिटी। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की जो वॉल है ना, इस पे छोटे छोटे प्रोटीन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टर बने होते हैं, ठीक, इस तरह से ये रिसेप्टर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, आगे सेल सिग्नलिंग में रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं, दे आर ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटीन, रिसेप्टर हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ अमाउंट में शुगर भी इनमें पाई जाती है। अब क्या हुआ, जब इसकी स्पीसीज का कोई पॉलन ग्रेन आया, जो इसी की स्पीसीज का है, किसी और की स्पीसीज का नहीं, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया और ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसी की स्पीसीज का, किसी पॉलन ग्रेन को, अब क्या होता है, अगर ये इसी की स्पीसीज का है तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ना ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं रिसेप्टर, आखिर रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इस बात पे भी मैं डिस्कशन करता हूँ कि आखिर ये रिसेप्टर किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वॉल में, जब ये पॉलन है ना, तो पॉलन की वॉल में क्या होता है, यहाँ पर काई जाती है कुछ प्रोटीन्स, ठीक है। पॉलन की वॉल में जो प्रोटीन पाई जाती है, इन प्रोटीन को ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर देते हैं। रिकॉग्नाइज कर लिया, अगर इसी का है तो आप क्या होगा, जैसे रिकॉग्निशन किया तो यहाँ पर रिएक्शन शुरू होगी और ये स्टिग्मा को बता देगा कि आपकी ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। उसके रिस्पांस में यहां से शुगर, शुगर और प्लस वाटर, ठीक है, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी, सॉरी कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पेटिबिलिटी है, कॉम्पेटिबिलिटी की बेसिस पे इसको रिसीव कर लेगा और क्या होगा, कॉम्पेटिबिलिटी आने के बाद पॉलन
पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, अगर भाई इसकी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन नहीं हुआ, तो अगर इसकी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन नहीं है तो ये क्या करेगी, स्टिग्मा सुगर को रिलीज नहीं करेगी। सुगर को रिलीज ना करने की वजह से ये क्या करेगी, इसको रिजेक्ट बोलते हैं, पॉलन रिजेक्शन। समझ आया भाई, ये बताओ स्टिग्मा कैसे ही अपने पॉलन ग्रेन को पहचानती है, कैसे रिसीव करती है और कैसे रिजेक्ट करती है। समझ आया सबको? सर पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है? पॉलन जर्मिनेशन होता है, हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है। अब इसके बाद में पॉलन जर्मिनेशन इसको लिखवा दूं, पहले लिखवा दूं क्या ये वाला पार्ट है ना, आप नोट कर लो इसको, मैं लिखवा देता हूँ ठीक है। इसके बाद फिर ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, नोट करेंगे डायग्राम बनाएंगे। हाँ डायग्राम तो जरूर बनाओ भाई, जो मैं डायग्राम बनवाऊ ये आपको डायग्राम बुक पे नहीं मिलेंगे, आपको हेल्पिंग बुक पे भी नहीं मिलेंगे ठीक है ना। ये हायर बुक्स में दिए होते हैं, एमएससी बुक्स में दिए होते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जनरली आपको देखोगे आपकी बुक्स में लिखा होगा, बट ये नोट करिए, अगर डायग्राम आपने बना लिया तो नोट करिए। पॉलन ग्रेन वेट सर, पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन रीचेस टू स्टिग्मा ऑफ its own species and then reaches to the receptor to the stigma of its own pollen, then the pollen reaches to stigma of its own species, stigma of its own species, full stop. The stigma have small receptors. Stigma have small receptors made up of stigma have small receptors. Made up of protein, full stop. Made up of protein, full stop. Next point hai. Receptor recognizes the pollen grain. Receptor recognizes the pollen grain. The pollen grain receptor recognizes. आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज आप लोगों को आ रही है? Yes, sir, आ रही है क्लियर। अच्छा बेटा तुम्हारे नेट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यार ईशान, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में हो बेटा, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया कि डेटा वो थोड़ा सा आपका नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं वीडियो इसीलिए ऑफ कर देता हूँ, वीडियो ऑफ करने के पीछे रीजन ये है आपको डेटा, आपका डेटा कम खर्च हो, है ना,
ऑडियो में डेटा बहुत कम खर्च होता है, ठीक है, मतलब ये व्हाट्सएप के बराबर डेटा खर्च होता है, इसलिए मैं रिकॉग्नाइजेस द पोलन ग्रेन एंड start releasing water and sugar substances. Start releasing water and sugar substances. Water and sugar substances. Full stop. By this way, pollen germination takes place. Next point. If pollen grain belongs to जिशान, आप अपना ये माइक्रोफोन बेटा ऑफ कर दो, है ना, माइक्रोफोन ऑफ कर दो, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है ना, जब आप पूछना हो तब ऑन करना, माइक्रोफोन ऑफ कर दो, है ना, जब पूछना हो आपको तो ऑन कर लेना. तो नेक्स्ट में लिखवा रहा था, नेक्स्ट नोट करेंगे. इफ पॉलन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज द रिसेप्टर will reject the pollen. Receptor will reject. Reject the pollen. जिशान, माइक्रोफोन बेटा ऑफ कर दो, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मैं बोलते जाऊंगा. रिसेप्टर विल रिजेक्ट द पॉलन ग्रेन एंड इट वोंट जर्मिनेट अच्छा, अब मेरे से अभी थोड़ी देर पहले आयशा ने क्वेश्चन पूछा कि ये पॉलन जर्मिनेट कैसे करता है ना, पॉलन का जर्मिनेशन कैसे होता है. ठीक, तो अब मैं पहले आपको पॉलन जर्मिनेशन बता देता हूँ, हालांकि पॉलन ट्रांसफर के बाद, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ऐसा, अभी डिटेल में भी बताऊंगा, क्योंकि पॉलन ट्रांसफर के बाद पॉलन जर्मिनेशन ही आएगा. तो क्या होता है कि सपोज दैट ये हमारा पॉलन ग्रेन है ना, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, किसी भी स्टिग्मा में पहुंचा और स्टिग्मा में पहुंच करके जर्मिनेट करने का काम करता है ना, ये स्टिग्मा में पहुंच गया, किसी भी स्टिग्मा में. अब देखो इसमें जर्मिनेशन होता कैसे है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं कि पॉलन ग्रेन में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है क्या होती है, एग्जाइन, ऐसे तो पॉलन, तो ये पॉलन में दो लेयर पाई जाती है, बाहर वाली इस तरह की स्पाइनी लेयर होती है, कांटेदार होती है, तो दिस स्पाइनी लेयर इज कॉल्ड एग्जाइन. ठीक है, एग्जाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एग्जाइन क्या होती है, स्पोरो पॉलिनिन की बनी होती है, स्पोरो पॉलिनिन. जो लोग नहीं थे उस क्लास में उनको बता देता हूं कि ये बायोलॉजिकली वर्ल्ड का बायोलॉजिकली टफेस्ट सब्सटेंस है, ये वर्ल्ड का बायोलॉजिकली टफेस्ट सब्सटेंस है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना ही इसको किसी भी एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से डिग्रेड किया जा सकता है, और ना ही इसको किसी भी तरह से जलाया जा सकता है. तो ये फायर प्रूफ भी है, ये एसिड प्रूफ है, ये बेस प्रूफ है, ये टेम्परेचर प्रूफ मटेरियल भी है. तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन द अर्थ, आपका आंसर होगा स्पोरोपोलिनिन. इसके बाद इसके अंदर की जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंटाइम. ठीक है, और इसी में क्या होता है कि बीच में कुछ छेद पाए जाते हैं छोटे छोटे, है ना, इस तरह के होल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, अरे जर्म पोर. वेरी गुड, जर्म पोर बोलते हैं इनको.
इन्हें हम कहते हैं जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर पाए जाते हैं। अच्छा, जहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ जर्म पोर वो जगह होती है, थोड़ा सा और क्लियरली मैं लिख देता हूँ जिससे आप जिन लोगों को नहीं पता वो नोट करते जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो प्लेस होता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है ना, तो इसके अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। अब क्या होता है कि ये जो जर्म पोर वाला पार्ट होता है, यहीं से इन्हीं जर्म पोर से ठीक है, ये इसके अंदर पूरे के पूरे में ये भरा हुआ है आपका, ये प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो न्यूक्लियस पाई जाती हैं, है ना। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि दो न्यूक्लियस या टू न्यूक्लियस स्टेज में ये रिलीज होता है ना, टू न्यूक्लियस स्टेज में रिलीज होता है। तो एक न्यूक्लियस तो होती है बड़ी सी थोड़ी सी, जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता यू है कि ये पोलन जब जर्मिनेट करता है तो इसी जर्म पोर से, इसी जर्म पोर से यहां से ट्यूब बाहर एक निकल आती है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब बाहर निकल आती है, इसको हम लोग बोलते हैं ये पोलन ट्यूब बाहर निकल आई। अच्छा, अब ऐसा समझना बात को, बाकी लोग भी समझेंगे भाई। पोलन ट्यूब, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, पोलन ट्यूब जो होती है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है। जो पोलन ग्रेन होता है वो दो तरह की सेल से मिलकर बना होता है, दो सेल से मिलकर बना होता है, टू सेल स्टेज में। मैंने आपको बताया कि जब एंथर से पोलन रिलीज होता है तो टू सेल स्टेज में रिलीज होता है, इसकी इस तरह से दो सेल की स्टेज में रिलीज होता है। इसमें क्या है कि ये जो बड़ी वाली सेल है, बड़ी वाली सेल, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये जो नीचे वाली सेल है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, है ना। तो जनरली क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक, तो 70% जो एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन होते हैं, तो 70% होते हैं वो टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। टू सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, बाकी के 30% जो पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म के होते हैं ये थ्री सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको मैं बता चुका हूं, थ्री सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या है, थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, जनरेटिव सेल दो हो जाती है, और टू सेल स्टेज में क्या होता है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पोलन ट्यूब बनी है ये जनरेटिव सेल की बनी है कि वेजिटेटिव सेल की बनी है। और आप लोग ये बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सर, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल की। अच्छा, द्रक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। द्रक्षा, पाकिया, सलेहा, बोलो भाई, सब लोग मैसेज करके मुझे बताओ, आप लोग बोल नहीं रहे हो क्योंकि, इसलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है सर। ओके, गुड गुड, शाबाश, बस ऐसे ही बोलता रहा करो, तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको, आप उसको इंटरलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आयशा ने बताया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बताया। जो पोलन ट्यूब बनी होती है वेजिटेटिव सेल की, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नीट निकालने के लिए भी बस नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज बेटर ऑफ राइट। आप बताओ, आयशा समझ में आ गया, आपने पूछा था ना? यस, आ गया सही। 70% और 30% क्या है? देखो, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं ना, तो एंजियोस्पर्म में बहुत सारी स्पीसीज है, है ना। तो एंजियोस्पर्म में बहुत सारी फैमिली है, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म टोटल मान लो 100,000 टाइप के एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं, तो उसमें 70,000 एंजियोस्पर्म के जो प्लांट है उनमें जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा वो टू सेल स्टेज में रिलीज होगा, बाकी के 30% जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनमें थ्री सेल स्टेज में रिलीज होगा। समझ आया सर? ऐसा क्यों है, बट मतलब इसका कोई एडवांटेज है फिर डिसएडवांटेज है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका एडवांटेज है, जो इसका मतलब ये है कि जो थ्री सेल स्टेज में है वो कौन है, वो एडवांस स्टेज में। देखो, एक मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, एक तो क्या है कि कुछ ऐसे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये समझ होना बहुत जरूरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी तो खैर पढ़ के रटना, दैट इज डिफरेंट थिंग। देखो क्या है
कि एवोल्यूशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एवोल्यूशन में कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा। तो अगर हम एवोल्यूशनरी टर्म को देखें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मैं कुछ क्या मैक्सिमम प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि सीड बनते हैं और सीड बन करके सीधे गिरते हैं और फिर वो सीड जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब उसमें ये जरूरी नहीं कि सभी सीड जर्मिनेट कर जाएं। अगर किसी प्लांट से 100 सीड गिरे हैं, कुछ को फंगस खा जाएगा, कुछ को बैक्टीरिया खा जाएगा, 50% तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ को एनिमल और बर्ड्स खा जाएंगी, है ना, बाकी के बचे 50% कुछ को पानी मिलेगा, कुछ को नहीं मिल पाएगा, तो कुल मिलाकर के 100 में से 30 जर्मिनेट हो पाएंगे, ठीक है। तो 30 जर्मिनेट होकर के प्लांट बन पाएंगे, उनमें हर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 20-15% सिर्फ प्लांट में कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें सीड लगे लगे जर्मिनेट कर जाते हैं, सीड प्लांट में लगे लगे जर्मिनेट कर जाते हैं, एग्जाम्पल राइजोफोरा, तो सीड लगे लगे जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब कि उनमें 100% सीड प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकियों में क्या हुआ, कितने परसेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, 20% प्लांट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बताओ दोनों में एडवांस कौन है? सो जो 100% हो रहे हैं, राइट, दैट इज द एडवांस, जो 100% हो रहा है वो एडवांस है। तो इसी तरह से टू सेल स्टेज में जो रिलीज होते हैं वो एवोल्यूशन में पीछे हैं, ठीक है, जो थ्री सेल स्टेज में रिलीज होते हैं वो एवोल्यूशन में आगे हैं, ठीक है, यही एडवांटेज है, ठीक है। मतलब कि टू सेल से थ्री सेल स्टेज बनने में कुछ टाइम लगता है, वो टाइम फ्रेम जो होता है वो बाकी के प्लांट्स में, जो थ्री सेल स्टेज वाले प्लांट है, थ्री सेल स्टेज वाले जो प्लांट्स हैं उनमें ये उनको एडवांटेज मिल जाता है, और जिसके पास एडवांटेज होता है वो इवॉल्व होता है, वो एवोल्यूशन के सीक्वेंस में आगे होता है। क्लियर सर? इनमें दो वेजिटेटिव और एक वेजिटेटिव सेल होते हैं। हाँ, एक वेजिटेटिव सेल सब में एक ही रहती है और दो जनरेटिव सेल जब ये रिलीज होते हैं तब, पर जर्मिनेशन के टाइम पे कुछ सीन डिफरेंट होता है, ठीक है सर? मतलब कुछ प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो कभी फॉल ही नहीं करते हैं? ना ना ना, राइजोफोरा में कभी सीड बनते ही नहीं है, राइजोफोरा में तो छोटे छोटे प्लांट रिलीज होते हैं। इसीलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें विविपेरी पाई जाती है, विविपेरी, तो विविपेरस तो वो होते हैं जो डायरेक्टली अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, है ना, डायरेक्ट यंग वंस को बर देते हैं, जैसे ह्यूमंस, पैट, है ना। तो विविपेरी पूछा जाता है किस प्लांट में पाई जाती है, तो हमारा एग्जांपल होता है ये पाया जाता है राइजोफोरा। याद आया? ठीक है, तो इनमें कभी इनमें छोटे छोटे ट्री वो प्लांट बन के गिरते हैं पेड़ से। अजूबा देखा है? अजूबा ब्रायोफिल्म देखा है? ब्रायोफिल्म किसी ने नहीं देखा? सब बुक्स में देखा है बस। अच्छा, बुक्स में देखा है। ये 5-5 रुपए के, 6-6, 10-10 रुपए के प्लांट आते हैं इस तरह के, है ना, इसको ब्रायोफिल्म बोलते हैं। अजूबा आप कभी भी गवर्नमेंट की नर्सरी में जाओगे ना, आराम से आपको मिल जाएंगे। इनमें क्या होता है कि कभी सीड नहीं मिलते, इनमें छोटे छोटे इस तरह से लीव्स के मार्जिन में प्लांट निकलते हैं, ये प्लांट गिर जाते हैं और प्लांट ही इनपे गिर करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम विविपेरी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चला जाए। सर, राइजोफोरा में पोलन से ही प्लांट बन जाता है? उसमें सीड में ही लगे लगे क्या होता है ना, सीड बना और सीड प्लांट में लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाता है। ये वैसे ही मान लो जैसे मैंगो का प्लांट है, मैंगो के प्लांट में सीड गिरता है लेकिन सीड ना गिरे, सीड फ्रूट में लगा रहे, सीड वहीं जर्मिनेट कर जाए, उसमें छोटा सा पौधा बन जाए, पौधा नीचे गिरेगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जितने सारे राइजोफोरा होते हैं ना, ये एक्चुअली पाए जाते हैं जहां पे डेल्टा होते हैं, डेल्टा में वहां पे मिट्टी ऐसी होती है जैसे सुंदरबन डेल्टा, तो वहां पे मिट्टी में सॉल्ट की लेयर होती है, अगर सीड गिरेंगे तो सीड सॉल्ट में गल जाएंगे और सीड खत्म हो जाएंगे और कभी भी प्लांट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इससे बचाने के लिए एक एडेप्टेशन हुआ, उनमें एडवांसमेंट हुआ और उनमें क्या हुआ कि सीड की जगह प्लांट छोटे छोटे बनने लगे, दैट इज द एवोल्यूशन। सर, राइजोफोरा एसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल, कौन से रिप्रोडक्शन शो करता है? ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं, देखो प्लांट जिनमें बोलते हैं प्लांट हमेशा डायरेक्ट, अगर प्लांट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक। आगे चला जाए, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन में आ जाते हैं, है ना, अभी ठीक सेल्फ, अब पहले अगली हेडिंग डालिएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अभी रेहान की, अच्छा इसको ड्रॉ कर लिया ना सबने, ड्रॉ कर लिया है इसको,
अभी रेहान के क्वेश्चन का आंसर रह गया, इसने मेरे से पूछा होता सर जीनोगैमी क्या होती है। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया सबसे पहले ऑटोगैमी, ये मैं रिमूव करने जा रहा हूं, ठीक है ना, होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा ये डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आइए सेल्फ पॉलिनेशन, तो मैंने आपको पॉलिनेशन बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन क्या, तो नोट करेंगे पॉलिनेशन, नोट करो। इन सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर एंथर ऑफ अ फ्लावर to stigma of the same flower, in self-pollination, transfer of pollen grain takes place from anther of a flower to stigma of the same flower space, full stop। इसी में लिखेंगे the pollen and ovule are genetically similar here। इस बात से हमें पता चलता है कि जो भी ये है फ्लावर होगा तो ये फ्लावर, इस बात की गारंटी है कि ये फ्लावर बाइसेक्चुअल होगा। अब बाइसेक्चुअल क्या होते हैं? बाइसेक्चुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक साथ पाया जाता है। तो जैसे इसमें क्या हुआ, ये एक फ्लावर है जिसमें ये वाला आपका पार्ट है, ये आपका पिस्टिल वाला पार्ट हो गया, एक फ्लावर है ना, इस फ्लावर में ये देखिए मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट मौजूद है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में इससे पॉलन ग्रेन निकले, इस वाले से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके अपने ही प्लांट की स्टिग्मा में पहुंच गए, इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि ये पार्ट है एंथर, ठीक है, और पिस्टिल, दोनों ही एक ही फ्लावर के पार्ट, ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया, दोनों ही एक ही प्लांट के, मतलब दोनों कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं, इन्हें आप बोलते हो बाइसेक्सुअल, और या इन्हीं के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इन्हीं के लिए आप एनिमल्स की बात कर लीजिए, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मैंने क्या बोलते हैं, याद आया, हार्मोफ्रोडाइट, एनिमल भी होता है ना हार्मोफ्रोडाइट, यस सर, अर्थ फॉर्म, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट या हार्मोफ्रोडाइट में हमेशा होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब देखो यहां पर एक ही प्लांट के पार्ट है तो ऑब्वियसली दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अच्छा, ये एडवांसमेंट है कि डिसएडवांटेज, यहाँ पे ये बताओ, कोई बता सकता है कि जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा एडवांसमेंट है? यस सर। अच्छा रेयान, एडवांसमेंट है कि डिसएडवांटेज है इसका? सर डिसएडवांटेज। डेवलपमेंट नहीं कर पाता, और जब ये दूसरे पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो सर उसमें
उसकी वो ले लेता है ना, इससे रिड्यूसिंग डेवलपमेंट हो जाती है, कम होती है, इससे ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 सही है, बहुत अच्छा बताया, सही बताया। देखो इन्होंने अयान ने सही बताया। देखो क्या होता है ना, जब भी एक बात मेरी बात को ध्यान रखना, साइंस ये कहती है कि अगर सेम टाइप के डीएनए फ्यूज करेंगे, सेम टाइप के डीएनए इंटरमिक्स होंगे, तो आने वाली जो जनरेशंस होंगी, जो ब्रीड होंगी, वो लेस क्वालिटीफुल होंगी। लेस क्वालिटीफुल क्या होंगी, वो फिजिकली वीक होंगी, मतलब प्लांट कमजोर होंगे। एनिमल और प्लांट दोनों में ये बात आपको ये करती है, तो वो क्या होंगे, फिजिकली वीक होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, डिजीज रेजिस्टेंट की कैपेबिलिटी उनमें कम होगी, डिजीज ज्यादा लगेंगी। तो यहां पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें क्या होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन धीरे धीरे होता रहे, तो हम हर बार जो फसल बोएंगे, वो फसल की प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी, उसमें बीमारियां ज्यादा लगती जाएंगी, और वो लेस क्वालिटी फुल हो जाएगी। इसको हम लोग ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊं, ठीक है? ओके, अब देखिए ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, इस सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप मैंने आपको बताया था, ऑटोगैमी, ठीक है? ऑटोगैमी है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में ये जो टाइप हमने आपको पढ़ाया, ये था ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में मतलब खुद का, ठीक है, खुद का एंथर और खुद की पिस्टिल पे अपने पॉलन रिलीज कर देता है, ठीक है? अब देखो ऑटोगैमी के भी कई सारे टाइप होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक ऑटोगैमी, दूसरा गेटोगैमी। ऑटोगैमी कैसे होती है, ऑटोगैमी में ही एक टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीस्टोगैमी। बता सकता है क्या क्लीस्टोगैमी क्या होती है, ऑटोगैमी का टाइप है? देखो सिंपल है, लैटिन की एक बहुत खूबसूरती, अगर आप इसको ब्रेक कर ले जाए तो आप इसके मतलब समझ सकते हैं। क्लीस्टो माने होता है हिडन, समझना बात को, हिडन, और गैमी मीने उसे होता है मैरिज, हिडन मैरिज। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ये सॉइल की लेयर हो गई, सॉइल की लेयर के अंदर वो बर्ड के फॉर्म में प्लांट पाए जाते हैं। ये प्लांट कभी भी खिलते ही नहीं है। अब इन प्लांट में क्या होता है कि देखो ये वाला पिस्टिल वाला रीजन हो गया, तो प्लांट कभी खिलता ही नहीं है, ठीक है? ये पिस्टिल हो गई, और इस पिस्टिल के साथ में यहीं पे इसमें क्या हो गया, स्टेमन हो गया। अब इसको कभी खिलना है नहीं, 100% क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते नहीं है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लीस्टोगैमी का एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्लीस्टोगैमी पाया जाता है ऑक्सेलिस में, ये फ्लावर कभी खिलते ही नहीं है, ठीक है? पीनट, मूंगफली में, मूंगफली का फ्लावर मिट्टी के अंदर पाया जाता है, वो कभी खिलता ही नहीं। 100% तय है जब फ्लावर खिलेगा नहीं तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि नहीं, ऑटोगैमी होगी कि नहीं होगी। तो ऑटोगैमी का टाइप है क्लीस्टोगैमी, नोट कर लो क्लीस्टोगैमी। सम फ्लावर पी प्लांट भी तो कौन सा पी प्लांट, मटर का, मटर का नहीं, मटर में क्लीस्टोगैमी नहीं पाई जाती है, ये ऑक्सेलिस में पाई जाती है। वायोला एक प्लांट है, वायोला, क्लीस्टोगैमस का सर, इसको तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। इसको प्लांट को सर, नहीं नहीं, पी में तो ओपन होता है, देखो तुमने ऐसे देखा होगा ना, उसमें वो जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है ना, वेक्सिलरी में तो देखा होगा उसमें ये दो विंग्स इस तरह के बाहर की तरफ लगे होते हैं, और ये इस तरह से कील लगी होती है, और इसमें तो बाहर निकला हुआ होता है। तो पी में तो ये एंटीमोफिली भी होती है और ये भी होती है, एयर के थ्रू एनिमोफिली भी होती है, नॉर्मली एंटीमोफिली होती है। तो इसमें नोट कर लीजिए क्लीस्टोगैमी में, इन सम प्लांट फ्लावर नेवर ओपन विच इंश्योर complete self-pollination. This condition is called cleistogamy. ठीक है,
होमोगैमी क्या होती है, क्लिस्टोगैमी तो हो गई, तो ऑटोगैमी का दूसरा तरीका है होमोगैमी, सेकंड टाइप है। देखो होमोगैमी में क्या होता है, क्या क्या चैस्मो, हाँ चैस्मोगैमी भी होता है, राइट पे चैस्मोगैमी भी होता है, बिल्कुल सही है। हाँ कोई पूछ रहा था कुछ, क्या पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था क्या कुछ, ठीक है नोट करो, होमोगैमी, होमोगैमी यही थी, मतलब मेल और फीमेल जो फ्लावर के पार्ट है दोनों एक साथ मैच्योर होंगे। तो नोट करेंगे, एंथर इन होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही साथ मैच्योर होते हैं, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। हाँ मैच्योर एट सेम टाइम। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग बताएंगे ठीक है ना, सबसे मेरा क्वेश्चन है ठीक है, क्या बाइसेक्सुअल प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्या? यस सर, ये सब पॉसिबल है, अगर मतलब स्पीशी सेम हो प्लांट की। हाँ ये भी पॉसिबल है। अच्छा लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन पता क्या, सब ये दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो क्रॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो भाई। हाँ ये सब क्लियर। पॉलिनेशन के लिए जेनेटिकली डिसिमिलर हो सकता है और स्पेसिफिकली उसको सिमिलर ही होना है। जेनेटिकली सिमिलर ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर ही होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। जेनेटिकली ओके ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली दोनों में सिमिलर ही होता है। हाँ देखो ऐसा हो सकता है, कई सारे ये बात भी मैं बता, देखो यही चीजें हैं जो नीट के लिए हमें जाननी चाहिए, है ना। क्या होता है कि एक चीज आपने प्रोटो एंड्री और प्रोटोगैनी पढ़ी क्या? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं प्रोटो एंड्री और नहीं पढ़ा। देखो क्या होता है, अब समझो फ्लावर है बाइसेक्सुअल, है ना। अब होता क्या है कि फ्लावर में समझना स्टिग्मा मैच्योर हो गई पहले और एंथर मैच्योर ही नहीं हुआ, तो अब स्टिग्मा तो मैच्योर हो चुकी है, उसको तो पॉलन रिसीव करना है, वो उसका खुद का एंथर मैच्योर नहीं हुआ तो वो दूसरे के एंथर से पॉलिग्रेन रिसीव कर लेगी, ठीक है। तो यहां पे गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। कई सारे प्लांट में बाइसेक्सुअल तो हैं लेकिन फीमेल पार्ट मैच्योर ही नहीं हुआ, मेल पार्ट मैच्योर हो गया, वो भी क्या करेगा किसी दूसरे फ्लावर का किस स्टिग्मा में जाके अपना पॉलिन ग्रेन दे देगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया उसको। हाँ अब मतलब पहले कौन मैच्योर हुआ, एंड्रोसियम स्टेमेन, तो यहां क्या बोलेंगे प्रोटो एंड्री। तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो बाइसेक्सुअल प्लांट में अगर प्रोटो एंड्री या प्रोटो गाइनी का केस है तो यह 100% तय है कि वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इवन अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो। समझ आया मेरी बात, क्लियर है भाई? यस ठीक है। तो अभी अपना टाइम हो गया है ना, तो पहले ये बताओ जितने सारे नए लोग हैं उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए समझ आया। मैं एक एक करके पूछता हूँ, जीशान समझ में आया, ये तो पुराना है फिर भी तुम्हारा नेट यार कमजोर दोस्त, मुझे तुम्हारा नेट कमजोर लग रहा है ना, ठीक है। अच्छा आयशा को आ गया, आवाज नहीं आ रही दोस्त यार, सॉरी मुझे मैसेज कर दो जरा, है ना। सुलेहा क्लियर ईच एंड एवरीथिंग? यस सर क्लियर, ठीक है गुड। और पाकिया
ये कब बोलती हो, समझ आया? बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा। अयान मोहम्मद अयान जीशान सर नंबर आपका। अच्छा हाँ नंबर, सॉरी दोस्त मैं अभी नंबर देता हूँ आपको। अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है मैं सेल्फ पॉलिनेशन रिपीट कर। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है जीशान, कि अगर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है ना, मतलब जो एंथर एंथर मतलब पॉलन ग्रेन और अगर एग दोनों के डीएनए सेम है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। और हाँ डिफाइन यही है, ठीक है नोट करेंगे। अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन नोट करो, इफ इफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस, if transfer of pollen grain takes place from the anther of flower anther of flower to stigma of same flower, it is called सेल्फ पॉलिनेशन एंड बोथ विल बी जेनेटिकली सिमिलर। देखो ये मेरा नंबर है, ठीक है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रेफरेबली, क्योंकि क्या होता है जनरली मैं क्लास में ही होता हूँ, है ना, तो जैसे मैं आपको, और अगर आपको मेरे से बात भी करनी है तो आप मेरे से पूछ लेना कि किस स्लॉट में मैं फ्री हूँ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, उस स्लॉट पे हम लोग बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस का अगर आप, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। तो होप सबको समझ में आ गया होगा, और किसी को नहीं समझ में आएगा तो जीशान तुम बेटा नेट का कुछ इंतजाम करो, तुम्हारा नेट बहुत, तुम्हारे यहाँ नेट कमजोर आ रहा है कुछ, है ना, आवाज तुम्हारी मुझे आ नहीं रही साहब। आपका ही सर क्लास होती है सर? हाँ नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा यार, प्रॉब्लम हो जाती है बाकी और क्लास ही चलता है। अच्छा मैसेज करना मुझे, ठीक है। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। So, bye-bye, all of you. Good night. Take care. Autogamy. अच्छा जिशान autogamy. Note कर लो autogamy क्या होती है. Autogamy यही थी, note करेंगे. Transfer of pollen. To stigma of same flower, transfer of pollen to stigma of same flower is autogamy. ठीक है? Same flower. हाँ ठीक है, bye bye. Same flower. हाँ hello. ठीक भाई, wind up करते हैं. Bye bye, good night, take care, bye. Flower care. आवाज़ नहीं. जिशान आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। फ्लावर के बाद क्या है सर? आप मैसेज कर दो यार मुझे, है ना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया आप क्या पूछ रहे हो। मैसेज करो करी जल्दी से। रेहान ऑल वेल, सब कुछ सही चल रहा है? Yes, sir. अच्छा जिशान कुछ पूछ रहे हो बेटा तो मैसेज करो, तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। Yes, कुछ पूछ रहा है? अच्छा ऑटोगैमी। Yes, हाँ ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी बताया ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन
स्टिग्मा ऑफ अच्छा सेम फ्लावर, बस यही है, दिस इज ऑटोगेमी। फिर ये मैंने क्लिस्टोगेमी और होमोगेमी जो बताया, तो ये सही देखो ये जो ये डायग्राम बना हुआ है ना, ये ऑटोगेमी का ही, इसी इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा में चला जाता है, इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। और फिर ऑटोगेमी के टाइप है क्लिस्टोगेमी होमोगेमी, दोनों ऑटोगेमी के टाइप हो गए। ठीक ठीक है, चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।